Hello students I am Nidhi Bhart, your science teacher today we will continue chapter number 2 acid bases and salt students in previous video we had completed the chapter and today we will discuss question answer of the chapter so let's start question number first is सोल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू इट्स पी एच इज लाइकली टू बी एक सोल्यूशन है जो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करा है तो उसका पी एच क्या होगा ऑप्शन है वन फोर फाइव एंड टेन तो स्टूडेंट हमारा जो सब्सटेंस है वो कैसा होगा सॉल्यूशन बेसिक होगा क्योंकि बेस रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं इट मीन्स सब्सटेंस कैसा है बेसिक और जो बेस होते हैं उनका पी एच अबव सेवन होता है सो आंसर डी इज करेक्ट टेन कितना होगा उसका पी एच टेन नेक्स्ट क्वेश्चन इज

इट मींस होगी कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ही वो गैस है जो कि लाइम वाटर को मिल्की कर देती है कार्बोनेट से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस कर रहा है तो वो सॉल्यूशन क्या होगा एक एसिड क्योंकि एसिड कार्बोनेट से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करते हैं तो हमारे ऑप्शंस क्या है ऑप्शन ए एन ए सी एल सोडियम क्लोराइड ऑप्शन बी एच सी एल हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑप्शन सी एल आई सी एल लिथियम क्लोराइड एंड ऑप्शन डी के सी एल पोटेशियम क्लोराइड तो जो हमारा ए सी और डी है ये क्या है ये सॉल्ट है ठीक है तो बी क्या है हमारा ये एसिड है तो हमारा सॉल्यूशन में क्या होगा एसिड होगा क्योंकि एसिड कार्बोनेट से रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस ठीक है सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट एच सी एल ओके स्टूडेंट नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेन एम एल ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एन एच इज फाउंड टू बी कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज बाई एट एम एल ऑफ़ गिवन सोल्यूशन ऑफ एच सी एल टेन एम एल एन एच का सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज होता है एट एम एल एच सी एल के सूशन से कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाता है इफ यू टेक ट्वेंटी एम एल ऑफ द सेम ऑफ एन एच द अमाउंट ऑफ एच सी एल द सेम सोल्यूशन हैज़ बिफोर पहले जैसी कंसेंट्रेशन वाला ही हम एच सी एल सॉल्यूशन ले रहे हैं तो द अमाउंट ऑफ एच सी एल सोलूशन रिक्वायर टू न्यूटलाइज इट विल बी ट्वेंटी एम एल के एन यू एच को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें कितना एम एल एच सी एल सॉल्यूशन रिक्वायर होगा जबकि दोनों सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पहले जैसी है ठीक है तो ऑप्शन क्या है हमारे ऑप्शन इज ए इज़ फोर एम एल बी इज़ एट एम एल सी ट्वेल्व एम एल एंड डी सिक्सटीन एम एल सो स्टूडेंट टेन एम एल को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें चाहिए था एट एम एल एच ई एल तो ट्वेंटी एम एल को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें चाहिएगा सिक्सटीन एम एल सो ऑप्शन डी इज करेक्ट सिक्सटीन एम एल ओके स्टूडेंट नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेट वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज यूज फॉर ट्रीटिंग इन डाइजेशन इंडाइजेशन को ट्रीट करने के लिए हमें कौन सी मेडिसिंस लेनी चाहिए ऑप्शन ए एंटीबायोटिक बी एनाल्जेसिक सी एंटा एसिड एंड डी एंटीफैक्टिक सो स्टूडेंट जब इंडाइजेशन होता है तो हमारे स्टमक में एक्सेस एसिड प्रोड्यूस होता है उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें एंटा एसिड की रिक्वायरमेंट होती है सो ऑप्शन सी इज एंटा एसिड इज करेक्ट तो आंसर क्या होगा हमारा एंटा एसिड एंटा एसिड क्या करेंगे उस एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देंगे ओके स्टूडेंट नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट वर्ड इक्वेशन एंड देन बैलेंसड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस वेन हमें कुछ रिएक्शन गिवन है हमें पहले उसकी वर्ड इक्वेशन लिखनी है देन हमें बैलेंसड इक्वेशन लिखनी है तो फर्स्ट क्वेश्चन है डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विथ जिंक ग्रेन्यून जिंक ग्रेन्यूल से रिएक्ट कर है डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड तो पहले वर्ड इक्वेशन लिखेंगे जिंक प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ये हमारे रिएक्टेंट हो गए फिर हम एरो का साइन लगाएंगे प्रोडक्ट बनेंगे हमारे जिंक सल्फेट क्योंकि जिंक ने रिएक्ट किया सल्फ्यूरिक एसिड से सॉल्ट बनेगा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी ये तो हो गई इसकी वर्ड इक्वेशन अब हमें इसे इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है फर्स्ट स्टूडेंट जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला लिखेंगे एच टू एस ओ फोर प्रोडक्ट हमारा बन रहा है जिंक सल्फेट जेड एन फोर प्लस हाइड्रोजन गैस ये क्या हो गई हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन इसको हम बैलेंस करेंगे स्टूडेंट तो देखेंगे स्टूडेंट यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में जिंक का कितना आइटम है वन प्रोडक्ट साइड में भी कितना है वन सल्फर का आइटम रिएक्टेंट साइड में वन प्रोडक्ट साइड में वन ऑक्सीजन का आइटम रिएक्टेंट साइड में फोर और प्रोडक्ट साइड में फोर हाइड्रोजन टू टू यानी कि सभी एटम्स सभी एलिमेंट्स के एटम रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में इक्वल है इट वीज ही ऑलरेडी ही बैलेंस्ड ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद मैग्नीशियम रिबन डायल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैग्नीशियम रिबन से रिएक्ट कर रहा है तो हम वर्ड इक्वेशन लिखेंगे मैग्नीशियम प्लस डायल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इट विल फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन ओके okay, स्टूडेंट अब इसको हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे मैग्नीशियम एम जी प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीन्स एच सी एल और यहाँ क्या बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड एम जी सी एल टू ओके स्टूडेंट प्लस हाइड्रोजन गैस क्या फॉर्म होगी हाइड्रोजन गैस ये क्या होगा इसकी इक्वेशन अब हम इसे बैलेंस करेंगे स्टूडेंट्स तो देखेंगे स्टूडेंट मैग्नीशियम जो है रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड में इसका वन आइटम है बट हाइड्रोजन और क्लोरीन रिएक्टेंट साइड में कितने वन वन एटम है लेकिन प्रोडक्ट साइड में इन दोनों के टू आइटम है तो हम क्या करेंगे यहां पे टू लगा देंगे अब ये इक्वेशन क्या हो गई हमारी बैलेंस इक्वेशन ओके okay, स्टूडेंट नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद एल्युमिनियम पाउडर डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट कर रहा है एल्युमिनियम पाउडर से वर्ड इक्वेशन लिखेंगे एल्युमिनियम प्लस डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड इट विल फॉर्म एल्युमिनियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन ओके okay, स्टूडेंट अब हम इसे इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे स्टूडेंट एल्युमिनियम एल्युमिनियम का हमने सिंबल लिखा प्लस सल्फ्यूरिक एसिड एच टू एस ओ फोर ये हमारे रिएक्टेंट हो गए प्रोडक्ट क्या बना हमारा एल्यूमिनियम सल्फेट तो स्टूडेंट एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला आप बना सकते हैं ए एल टू एस ओ फोर थ्राइस होता है पहले मैं लिख देती हूँ ए एल टू फोर थ्राइस कैसे बना फॉर्मूला मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट में भी बताया था आपको रेडिकल्स का फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको यहाँ पे पॉजिटिव रेडिकल लिखना है यहाँ नेगेटिव रेडिकल लिखना है और दोनों की वैलेंसीज को क्रॉस कर देना है क्या बन जाएगा ए एल टू ए टू आया नीचे और एस ओ फोर को हम ब्रैकेट में क्लोज करेंगे देन थ्राइज ओके तो बन गया ए एल टू एस ओ फोर थ्राइज प्लस हाइड्रोजन गैस ओके स्टूडेंट तो ये हमारी इक्वेशन हो गई अब हम इसे बैलेंस करेंगे तो स्टूडेंट देखेंगे एल्यूमिनियम यहाँ पे वन एटम है यहाँ पे दो एटम है ठीक है हाइड्रोजन के एटम दोनों तरफ दो दो इक्वल है लेकिन सल्फर का यहाँ पे वन एटम है यहाँ पे कितना है थ्री और ऑक्सीजन का यहाँ फोर है और यहाँ कितना आ जाएगा फोर इंटू थ्री ट्वेल्व तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं तो हमने यहाँ क्या लगाया स्टूडेंट थ्री थ्री लगाते ही सल्फर के आइटम कितने हो गए थ्री और ऑक्सीजन के कितने हो गए ट्वेल्व तो ऑक्सीजन और सल्फर बैलेंस हो गई बट हाइड्रोजन कितनी हो गई थ्री इंटू टू सिक्स तो हम यहाँ पर भी क्या लगा देंगे थ्री ठीक है आप देखेंगे एलुमिनियम यहाँ पे वन एलुमिनियम है यहाँ पे टू है तो हम यहाँ क्या लगा देंगे स्टूडेंट टू अब ये इक्वेशन क्या हो गई एकदम बैलेंस ओके स्टूडेंट तो इस तरह से हम बैलेंस इक्वेशन लिखते हैं ओके स्टूडेंट नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन डायल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद आयरन फिलिंग्स ठीक है रिएक्शन लिखेंगे आयरन फिलिंग्स प्लस डायलूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट विल फॉर्म फेरिक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस ओके स्टूडेंट अब इसको हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं स्टूडेंट आयरन के लिए हम लिखेंगे एफ ई सिंबल है इसका प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एच सी एल एंड इट विल फॉर्म फेरिक क्लोराइड एफ ई सी एल थ्री प्लस हाइड्रोजन ओके स्टूडेंट अब हम इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो देखेंगे स्टूडेंट आयरन ऑलरेडी बैलेंस है रिएक्टेंट साइड में भी वन एटम है प्रोडक्ट साइड में भी वन एटम है बट हाइड्रोजन और क्लोरीन रिएक्टेंट साइड में इनके वन एटम है जबकि प्रोडक्ट साइड में क्लोरीन के थ्री एटम है और हाइड्रोजन के टू एटम है इसको हमें इक्वल करना है अगर मैं यहाँ पे टू लगाती हूँ स्टूडेंट तो हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा बट क्लोरीन यहाँ पे थ्री है और यहाँ टू रह जाएगा तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट हम यहाँ पे लगाएंगे सिक्स ओके स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे यहाँ ऐड करेंगे हम टू तो क्लोरीन हो गया टू इंटू थ्री सिक्स और यहाँ हम ऐड करेंगे थ्री तो हाइड्रोजन हो गया थ्री इंटू टू सिक्स तो हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों प्रोडक्ट साइड में सिक्स हो गए और रिएक्टेंट साइड में भी सिक्स हो गए बट यहाँ पे आयरन के कितने आइटम हो गए टू तो हम यहाँ पे भी ऐड कर देंगे टू अब ये रिएक्शन क्या हो गई कंप्लीटली पैलेंस ओके स्टूडेंट नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपाउंड सच एज एल्कोहल्स एंड ग्लूकोज ऑल्सो कंटेन हाइड्रोजन बट आर नॉट कैटेगराइज एज एसिड्स डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू प्रूव इट एल्कोहल्स और ग्लूकोज के अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है एल्कोहल के लिए हम लिखते हैं आर ओ एच ठीक है आर मीन्स एल्केल ग्रुप होगा कोई और ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स तो दोनों के अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट है लेकिन फिर भी हम इन्हें एसिड कंसीडर नहीं करते तो हमें एक एक्टिविटी के थ्रू बताना है कि ये एसिड क्यों नहीं है ओके स्टूडेंट तो स्टूडेंट्स हमने चैप्टर के ड्यूरिंग डिस्कस किया था जो एसिड हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं ठीक है थीके? अब हम देखेंगे कि क्या एल्कोहल और ग्लूकोज का सोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है तो देखेंगे स्टूडेंट दो कंपाउंड लाइक एल्कोहल एंड ग्लूकोज कंटेन हाइड्रोजन बट दे डू नॉट आयनाइज इन सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस एच प्लस आयन्स ऑन पासिंग करंट थ्रू दैम तो एसिड के अंदर क्या होगा एच प्लस आयन ठीक है तो आइडन ग्लूकोज और अल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट है लेकिन वह एच प्लस आयन प्रोड्यूस नहीं करते तो हम क्या करके देखें उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं अगर उसमें एच प्लस आयन प्रोड्यूस होंगे दे विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और अगर आयन प्रोड्यूस नहीं होंगे दे विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी तो so, हम क्या करेंगे कुछ एक एक्टिविटी करेंगे टेक सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल एंड ग्लूकोज हमने क्या किया एल्कोहल और ग्लूकोज का सॉल्यूशन लिया ठीक है तो इस तरह का हमारा सेटअप बनाया हमने हमने क्या किया एक बीकर के अंदर एक रबर कॉर के ऊपर दो नेल फिक्स किए हैं और नेल को हमने बैटरी के दोनों टर्मिनल से जोड़ दिया है इस सर्किट में हमने बल्ब और स्विच अटैच किया है और इस बीकर के अंदर हम फिल करेंगे एल्कोहल और ग्लूकोज का सॉल्यूशन वन बाय वन ओके अब क्या होगा हम इस स्विच को ऑन करेंगे और देखेंगे क्या बल्ब ग्लो होता है या नहीं होता सो फिक्स टू नेल ऑन अ कॉर्क एंड प्लेस द कॉर्क इन हंड्रेड एम एल बीकर कनेक्ट द नेल द टू टर्मिनल ऑफ आ सिक्स वोल्ट बैटरी हमने उसको किससे जोड़ दिया है दोनों नेल्स को वायर के थ्रू बैटरी के प्लस माइनस टर्मिनल से ऐड कर दिया है थ्रू अ बल्ब एंड अ स्विच और सर्किट पे हमने एक बल्ब और स्विच भी ऐड किया है ताकि बल्ब के ग्लो होने से हमें पता लगे कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है या नहीं हो रही अब हम इसमें एल्कोहल और ग्लूकोस का सोल्यूशन लेंगे ठीक है और हम देखेंगे कि जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो क्या होगा बल्ब ग्लो नहीं होगा क्योंकि जो सर्किट है यहाँ से ब्रेक है दोनों नेल्स के बीच में क्या है गैप अब इन नेल्स के बीच में इलेक्ट्रिसिटी कब पास होगी जो हमारा रबड़ है ये जो कॉर्क है ये तो रबर का है ये तो इंसुलेटर है तो इलेक्ट्रिसिटी कब पास हो सकती है जब सॉल्यूशन कैसा हो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने वाला हो ठीक है तो हमने इसके अंदर सॉल्यूशन किसका लिया है एल्कोहल और ग्लूकोज का ठीक है नाव पोर एल्कोहल इन द बीकर एंड स्विच ऑन द करेंट द बल्ब डज नॉट ग्लो हमने क्या किया उसमें एल्कोहल पोर किया लेकिन हमने देखा स्विच को ऑन करने पर बल्ब ग्लो नहीं करता रिपीट द एक्सपेरिमेंट विथ ग्लूकोज ऐसा ही हमने ग्लूकोज के सॉल्यूशन के साथ भी करके देखा द बल्ब डज नॉट ग्लो इन दिस केस ऑल्सो और ग्लूकोज के सॉल्यूशन में भी बल्ब ग्लो नहीं हुआ इट मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन इस सॉल्यूशन के थ्रू नहीं हो पा रहा है ठीक है मीन्स सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है इट मीन्स वहाँ आयन्स प्रेजेंट नहीं है ठीक है तो इसका मतलब वो आयनाइज होकर के H प्लस आयन प्रोवाइड नहीं करता है एंड दैट्स वाई इट इज नॉट कॉल्ड एसिड ओके दिस मीन्स नो आयन्स और हाइड्रोजन आयंस आर प्रेजेंट इन सॉल्यूशन दिस शोज दैट एल्कोहल्स एंड ग्लूकोज आर नॉट एसिड इसका मतलब वो एसिड नहीं है ओके स्टूडेंट्स नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डिजटल वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वे आर एज रेन वाटर डज डिस्टल वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है जबकि रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है तो ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट स्टूडेंट जो रेन वाटर होता है उसके अंदर एटमोसफेयर की जो गैसेज होती है वो मिक्स हो जाती है लाइक कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड एक्सेट्रा और कार्बन डाइऑक्साइड जो मेनली होती है एनवायरनमेंट पे वो जब वाटर से रिएक्ट करती, तो करती है तो वो फॉर्म करती है कार्बोनिक एसिड क्या फॉर्म करती है कार्बोनिक एसिड तो रेन वाटर के अंदर एक एसिडिक सब्सटेंस मिक्स हो गया जबकि जो डिस्टिल वाटर होता है उसके अंदर कोई भी एसिड बेस सॉल्ट प्रेजेंट नहीं होता तो वो कैसा होता है एकदम न्यूट्रल दैट्स वाई इट कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी तो देखेंगे डिस्टल वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी आयनिक कंपाउंड लाइक एसिड बेस एंड सॉल्ट एसिड होगा तो क्या होगा H प्लस आयन होगा बेस होगा तो क्या होगा ओ एच माइनस आयन होगा काउंटर आयन भी होंगे उसके और सॉल्ट होगा तो भी क्या बनेगा आयंस बनेंगे तो अगर वाटर के अंदर एसिड बेस या सॉल्ट प्रेजेंट है तो वो आयनाइज होते हैं और उसे आयन प्रोवाइड करते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं लेकिन डिस्टल वाटर के अंदर ना तो कोई एसिड है ना बेस है ना सॉल्ट है तो क्या है ये इनमें डिजॉल्व नहीं है इसलिए उसके अंदर कोई भी आयन्स प्रेजेंट नहीं है और वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है ठीक है वाइल रेन वाटर वाइल फॉलिंग टू द अर्थ थ्रू द एटमोसफेयर रेन वाटर कहाँ से आ रहा है एटमोसफेयर से वो क्या आ रहा है डिजॉल्व एन एसिडिक गैस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर तो वो क्या करेगा जब रेन वाटर नीचे फॉल हो रहा है तो क्या करेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अपने अंदर मिक्स कर लेगा एंड फॉर्म्स कार्बोनिक एसिड और किसका फॉर्मेशन करेगा कार्बोनिक एसिड इट इज़ अ वीक एसिड फिर भी एक एसिड है ठीक है सो कार्बोनिक एसिड प्रोवाइड हाइड्रोजन आयन जब कार्बोनिक एसिड वाटर के साथ डिजोल्व हुआ तो ये क्या प्रोवाइड करेगा हाइड्रोजन आयन ठीक है साथ में कार्बोनेट आयन ठीक है सो इट विल प्रोवाइड हाइड्रोजन आयन एक्वा एक्वासोल्यूशन में एंड कार्बोनेट आयन टू रेन वाटर तो रेन वाटर में क्या ऐड हो गए आयंस तो जब आयंस की प्रेजेंस होगी तो क्या होगी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी हैज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एसिड द रेन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी दैट्स वाई रेन वाटर कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड डिजिटल वाटर कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओके स्टूडेंट तो हमारे क्वेश्चन वन टू सेवन कम्प्लीट हो गए इनको अच्छे से लर्न करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अदर क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर तब तक इसको लर्न करते रहेंगे थैंक यू